भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स की सहूलियत के लिए कुछ सर्विसेज चालू रखने की मियाद 29 फरवरी तक तय कर रखी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया था। आरबीआई के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च 2024 के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने पीबीएल के ग्राहकों को सलाह दी कि वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मौजूद राशि किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब चूंकि 15 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस तारीख के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कौन सी सर्विसेज बंद हो जाएगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट के लिए टॉप अप, फास्ट टैग या वॉलेट सर्विसेज 15 मार्च के बाद से काम नहीं करेगी। इसके साथ ही पीबीएल यूजर्स किसी अन्य यूजर से पेटीएम बैंक खाते में पैसे रिसीव नहीं कर सकेंगे। वहीं इससे सैलरी या अन्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगा। पेटीएम द्वारा जारी फास्टैग बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर्स अपने अकाउंट या वॉलेट से 15 मार्च के बाद भी राशि निकाली जा सकती है। पीबीएल के ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पीबीएल के पार्टनर बैंक से रिफंड, कैशबैक और स्वाइप इन कर सकते हैं। जब तक बैलेंस अमाउंट है, तब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से निकासी या डेबिट आदेश जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट का इस्तेमाल मर्चेंट पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।